नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पलामू जिले के पाकी प्रखंड क्षेत्र के आसेहार पंचायत में संचालित हो रहे पत्थर स्टोन माइंस व क्रशर के खिलाफ ग्रामीणों ने उग्र होते हुए रियाज स्टोन माइंस में हो रहे कार्यों को ग्रामीणों ने बंद कराया। वही मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि माइंस के संचालक द्वारा मनमाने तरीके से माइंस का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार माइंस संचालक को हिदायत कर दी गई है, फिर भी मनमाने ढंग से संचालन किया जा रहा है। बता दी कि बीते 31 जनवरी 2022 को जल जंगल जमीन बचाओ के नाम से एक कमेटी बनाया गया था और कई मांगों को लेकर माइंस को बंद करा दिया गया था, जिसमें माइंस संचालक द्वारा सभी मांगों को पूरा करने की बात कह माइंस को पुनः चालू किया गया था। पर 4 महीने तक माइंस संचालक अपने वादे को पूरा किए, उसके बाद पहले की तरह ही मनमाने तरीके से फिर माइंस संचालक करने लगे, जिसे देख फिर से 2 अप्रैल को सुबह माइंस में हो रहे कार्यों को बंद किया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन व खनन अधिकारी को भी नहीं बख्शे, उन पर भी कई आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर प्रशासन और खनन विभाग की मिलीभगत से माइंस को अनियमितता द्वारा संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां से दर्जनों गाड़ी बिना चालान के पत्थर, गिट्टी व चिप्स लेकर रोज निकलती है, पर कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से माइंस में अनियमितता का अंबार बरस रहा है और माइंस संचालक मनमाने ढंग से माइंस को संचालित कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यदि माइंस में हो रहे अनियमितता को जांच कर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम सब सड़क से सदन तक आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि माइंस में हो रहे ब्लास्टिंग के कारण हम सभी का मकान में दरारें पड़ रहे हैं और उड़ते डस्ट के कारण फसल नहीं हो पा रही है और रोड से आवागमन करना मुश्किल हो गया है। माइंस के कारण हम सभी को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। उन लोगों ने बताया कि हम सभी का अधिकारियों से एक ही मांग है, माइंस बंद कर हम सभी को डस्ट मुक्त किया जाए। कारण यही है जो यहाँ दलाल के थ्रू छरी बिछाता है और गांव के आदमी को मिल नहीं पा रहा है। तो क्या मांग क्या? हम लोग की मांग है जो गाँव में छरी मिले और जो बाहरी छरी जा रहा है जो रेट से जो तय हुआ था वो रेट नहीं मिल पा रहा है। मनमाने में यही है कि दलाल के चक्कर में यहाँ ऐसे सब दलाल लोग हैं, रेट बढ़ा के दे रहा है सबको। गरीब अब दिन क्या हो, जो रेट बोले थे से रेट नहीं दे रहे हैं। 300 हमको 650 का ट्राली अभी दिया थी, बोला क्या बोलते हैं मटिया और अथी कैसे बोला गया था आप लोग पिछला बार जो मीटिंग हुआ, 6.5 को बोला गया था, 6 से 7 रखा था, अब 1000 सुपर कर दिया है। यही आया है कि यहाँ मट्टी भी मिलता है 300 रुपये मतलब ट्राली और छरी है से यहाँ है तो कहता है नहीं है, दलाल आएगा तो बदम कहेगा छरी पूरा है। क्या छरी का यहाँ क्या अथी है, गाँव का छरी नहीं मिल पा रहा? गाँव के छरी मिलता है तो पहले दलाल की जाएगा तब ना गाँव में मिलेगा। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग यही कि गाँव के छरी मिले, मतलब है मतलब किफायत रेट में मिले और छरी मिले जब आवे तब। छरी रहने के बाद भी बहाना मारा जाता है? अब बहाना हो ही जाता है, नहीं छरी आखिर क्यों बहाना मारा जाता? अभी तो मानते नहीं बात क्यों मारा। माइंस मुमताज खान, मिराज खान, क्या आप लोग के क्या दिक्कत है ये माइंस से? हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग का जो रेट 650 का रेट देने के लिए वादा किए थे वो रेट हम लोग का मिलता नहीं है। दलालों ने 1100-1200 के रेट से ले जाता है और गाँव के छरी लेने आता है उसको मिलता ही नहीं है। क्या आप लोग को दलाल के थ्रू लेना पड़ता है छरी? दलाल के थ्रू लेना पड़ता है। माइंस में आते हैं तो माइंस संचालक द्वारा क्या कहा जाता है? संचालन द्वारा कहता है कि छरी आप लोग के ऐसा नहीं मिल सकता है, छरी अभी है ही नहीं है। और जो चुनाव हुआ था उसमें हमको अध्यक्ष बनाया गया था तो अध्यक्ष के द्वारा तो पहले 2-3 महीना चला जिस टाइम चुनाव हुआ, इसके बाद माइंस संचालक को लोग किसी का बातें नहीं सुनते हैं, अध्यक्ष रहे चाहे सचिव रहे चाहे कुछ रहे उससे कोई मतलब ही नहीं है। अध्यक्ष पद से ऐसे ही हम छोड़ दिए कि कहला भाई बदनाम मिलेंगे झूठों का अध्यक्ष बन के। आखिर कारण क्या है कि माइंस संचालक द्वारा इतना मनमानी किया? तो माइंस संचालक ने बताया का कारण है, चलता है यहाँ पर कुछ दूसरा चीज चलता है कुछ। अच्छा, वोशन भेले वाला आदमी के लिए है। जिस वक्त मीटिंग हुआ था उसमें क्या रेट तोड़ा गया था? रेट तो 650-650 रुपये तोड़ा गया था। और अभी कैसे मिल रहा है? अभी हमको नहीं पता, हम तो ये नहीं किया। वी टाइम न्यूज के लिए पलामू से संजीव कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।